दोस्तों एक बार एक शख्स रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक व्यक्ति के पास जाता है और अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालकर कहता है, क्या तुम में इतना टैलेंट है कि इस रुमाल के ऊपर कोई पेंटिंग बनाकर दिखा दो, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें उसकी मुंह बोली कीमत दूंगा। गाइस अमेजिंग बात यह है, वो शख्स जो वहां बैठा हुआ था वो शख्स कोई और नहीं मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो थे। सारी बात सुनकर उन्होंने अपने पॉकेट से एक चारकोल पेंसिल निकाली और कुछ ही सेकंड्स में एक बकरे की स्केच बना दी। ये देखकर हैरान हुए शख्स ने जब अपनी नैपकिन वापस लेने की कोशिश की तभी पिकासो ने इसे देने से मना कर दिया और कहा, तुम्हें इसके लिए अब $1,00,000 देने होंगे। ये सुनने के बाद वो शख्स कहता है, सिर्फ 30 सेकंड्स की पेंटिंग के लिए $1,00,000, पर क्यों? इसके बाद पाब्लो पिकासो का जो जवाब आता है वो आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, इस पेंटिंग को बनाने में मुझे 40 साल लगे। मतलब इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पाब्लो को 40 साल की मेहनत लगी। दोस्तों हम किसी की एक दिन की कामयाबी देखकर उसे इंस्पायर हो जाते हैं, पर उनके पीछे के स्ट्रगल के बारे में हम नहीं जानते। आपने इस इंसिडेंट से क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।